और ध्यान इस पे दीजिए। हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। रिद्धि सिद्धि सहित पधारो कारी पुत्र गणेश, कुटम सहित सब देव पधारो ब्रह्मा विष्णु महेश। आदरणीय महानुभाव, राजस्थान की पावन भूमि को नमन करते हुए ये भजन जिकड़ियों का प्रोग्राम आपकी बस्ती में चल रहा है। इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे सम्माननीय रोहतास पंडित जी धनुधड़ से, और जो हमारे ढोलक पर साथ संगति कर रहे हैं भाई गौरव सिंह सिंसवार फौजदार मुरौली से। आपके सामने छोटा सा गायक, जितने गायक आए हुए हैं सबसे छोटी श्रेणी में ये लुड़कन सिंह सिंसवार फौजदार। सबसे पहले हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम साहब। अब देख लियो बिचारो ये को ऐसो ये गांव में मोबाई में ये को भैंसिया खरीद तो डोल तो भैंसे पोई वो लल्लू अमंते न जाने काका कह रहे। अरे यहां गाने के लिए बुलाए हैं पर वे तो लुड़कने पीछे पड़ रहे हैं। लुड़कने कोई मुरा समझ रही है कि कोई गाजर समझ रही है। पहली बात, पहले हमारी ये समाज लोग बैठी हुई है, विचार करने वाली बात है। एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, हमारे बुजुर्गगण बैठे हुए हैं सारी बातों को जानते। गाली दे रहा और कह रहा है बिछुआ चोना है, और हमारो हम आके दो जीजा लगते। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कोई का को जीजा नहीं लगते हुए। पर तेरी बहन में का कमी है, विचार करियो का तू का उते जीजा क्यों ना कह सके, क्योंकि तेरी बहन ने तो ताली बजाई है वो मतलब की आती ना। विचार करियो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए पैसा खर्च कर रहे आनंद के लिए, कंपटीशन किसे कहते हैं। कंपटीशन जाना है कहकर आ जा, गाड़ी दे रहा हूं बेटा, गाने से कंपटीशन होता है। तूने किसी गुरु की सेवा की है, तूने अपने बुजुर्गों की सेवा की है, तूने कभी अपने माँ बाप के लिए माथा नवाया है। ऐसे विद्वान हमारे पंडित रोहतास जी जो आज दूर दूर तक हमारी रिकॉर्डिंग जा रही है। एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है, बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को बल्कि इस दृश्य को एक चिड़िया कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से लेकर के अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से ये पूछा, ये बताइए जो आप ये कार्य कर रही है, अग्नि जल रही है, आप तालाब में जाती हैं, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, तालाब से पानी ला कर के अग्नि के ऊपर डाल रही हैं, क्या ये अग्नि बुझ सकती है। चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे बुजुर्गो अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भैया जी गाना बजाना कोई जादूगर का खेल नहीं, क्या दो पंक्ति ने सीख आए प्रोग्राम है जिकड़ी को, चार चीज तो गा दे जिकड़ी में, ग्यारह चीज होते एक चीज गाई का। खैर कोई बात नहीं, ये फैसला तो जनता करेगी। क्या लिखा है मासा कि भाई ब्राह्मण मिट जा तू दान से ले हटे, छत्री मिट जा तू कुदान के खाए से, आलस के करे से किसान मिट जात, विधवा मिट जात श्रृंगार के, पवन के ठकोरन से बादल मिट जाते, आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से, अधर्म के करे से धनम घट जाए, पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुना। सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है 370 हटाए दे और न जाने काका केस हटाए दे, पर बेटा रसिया
तू काय को रसिया, हमारे फौजदार ने दिल्ली को फाट के तोड़ दे लात थी, तो तू का भी अच्छे हमारे यहाँ सुन बेटा। अरे तीन तलाक बबूर खावारी, अरे तीन तलाक बबूर खावारी, मोदी कुंभोट जी दे गई ये सब के पहले तेरी चाची ए रसिया, सब के पहले तेरी अम्मा मोदी को सलंडर गई है। मोती पैद जी हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रही, जब कहा अभिमन्यु लड़ने के लिए गया है, जो जयद्रथ ने ये कहा ये बता तेरा पिता अर्जुन कहां है, कि वो तो यहां पे नहीं है, तो बेटा मैं तेरा फूफा लगता हूं। मैं ना कह रहा हूं फूफा लगा तुम्हें तो बटन टसू को रड़ हुआ हूं, बोल तू का करेगा। पर सुने कार्य हो समय आ जा, यूपी बारे हो समय आ जा, चूर चूर तुए कर दंगो, कर दंगो तेरी आलम तू प्रसंग की हो। ऐसी कोई कथा नहीं जो कि आप लोगों ने एक दो बार नहीं सुना हो, ये तो एक मनोरंजन वाली बात है, इसलिए आप अपने ध्यान को लगाएंगे कि राम भक्त वे तुलसी बाबा, राम भक्त वे तुलसी बाबा, सबने सुनी कहानी है और रामायण की रचना कर गए लीला बहुत पूरा, कैसे जोग लियो तुलसी ने तुमको सत्य बताऊं और तुलसी की कथा सुनो। आइए कबीरा जी क्या लिख रहे हैं। अरे जमुना तीर बसे एक खेरो और राजापुर बतलायो है, विप्र वंश में पैदा है गयो तुलसी नाम धरायो है।
खुशी हुए भारी है। घूमत हम क्या घूमत हम के शादी है गई विप्र खुशी हुए भारी है। हरी कहे जी हरी कहे जी नानू बार समाज सुधारक के लिए। आपने सुना होगा एक बड़ा हंगामा चल रहा है। रसिया जी ने कछुना पतो के जाते ही गई हंगामा मारे तो भूत बनोगा। अरे भय को भूत बनोगा मन में जिंदग घुट गए चाखी। भय को भूत बनोगा मन में जिंदग घुट गए चाखी। फिर हमारी बहु बेटी नकी काट लई है छोटी काट लई है छोटी। अब किया का छा धारी आए जम की छोरी है भैया। कच्छा धारी राय बैठे राजस्थान में माठिया दिन में तो भैंसिया खरीद भी मत तो रसिया गाम गाम में लेके जेवर आए। ओ देख जा तो कौन से घर पे काए जितिए का चोर भये पे यूपी भये। जैसे तुम देख लियो जितिए का पापी पैदा भये कंसु पैदा भयो। जितिए का बाबा जी भये सब यूपी में भयो। जितिए का राजा महाराजा पैदा भये वे राजस्थान में भये। भैया जी और हमारे सम्मानीय हमारे गुरुदेव आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। और भैया जी कच्छा धारी अब के आए जम के चोरी है रही है। घर पे जे तो बालक रोए रे बालक घबराए रे अन्यो पे देख कचरी निकाल ले जाते। बताओ डॉक्टर हुआ रे निकाल ले गए पर दरवाजा लगाए के सुअर फांट के भलू कुत्ते आएगा घबराएगा डंडा ना ले रहा 315 के हाथ में डाल रहा हूँ मास्टर कैसे। अरे कुत्ता की जीभ पे छर सुन के अरे कुत्ता की जीभ पे छर सुन के खुल जाए जी नकी तोती। फिर हमारी बहु बेटी नकी काट के ले गए सुंदर घरवाली आ गई। एक दिन ऐसा हुआ तुलसीदास का साल आया और अपनी बहन रत्नावली को लेकर के चला गया। वापस तुलसीदास जी घर पर आए घरवाली नहीं मिली उसी समय चल दिए। और कहां पहुंच गए जमुनाई पार पे। रात्रि का समय तुलसीदास जी करें जमुनाई पार कैसे करूं जो मैं पाम धरूं जमुना में। तुलसीदास जी विचार कर रहे जो मैं पाम धरूं जमुना में ऐसा गोता खाऊंगा और कैसे पार पर है ना मेरी डूब हमारे में जा। खड़े खड़े तुलसी भारी गुड़ान लगावे पर बाबा जाए पैयर की याद सदा। तुलसीदास जी जमुना पार पे खड़े और कबीराज जी क्या लिख रहे हैं मासा। अरे कोई नावा नजर नहीं आवे तुलसी मान नहीं रे मानन खावा। अरे कोई नावा अरे प्यारी मुए दर्शन दे दिया। अरे प्यारी मुए दर्शन दे दिया
अपनी घरवाली को याद कर रही, पर रात में कोई बहान हो नाव हो तो मिले। पर आप जैसे विद्वान लोग बताते कि तुलसीदास ने का कमी दिखत हो, एक मुर्दा बहता हुआ आया, तुलसीदास ने पे हाथ दे पकड़ लो। ये हुआ चौक, चौक के बाद आ रहा है ढोला। कैसे आ रो मास्टर? अरे नाव जाने मुरा देखी बनाई लई पंचोना, रुपए का पुरस्कार हमारे लिए सुरेंद्र ठाकुर साहब जनोथर से देते हैं आशीर्वाद के रूप में। और भैया जी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? लाकड़ा जाने बैठी गयो ऊपर, लाकड़ा जाने बैठी गयो ऊपर, ससुरारे में पहुंच गई। द्वार पे तुलसी आयो है और बाबा बंद जाए फाटी को पर। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल से तो यहां तक आयो, अपनी घरवाली से कैसे मिलूं, भाग दौड़ सब गई है बाहर में। तुलसी रे दुख पाइए, बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहां बंद केवरिया पाइए। खड़े खड़े तुलसी भारी गुड़ा लगावे, पर बाबा जाए बैयर की यादी सदा। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े और कबीरदास जी लिख रहे, क्या लिख रहे? अगर तेरी जलवा जलवा, अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती, अरे खुदा की कसम ये खुदाई न हो। वैसे एक बात बता दूं, गाने वाले का कर्म होता है मंच से गाना, और जो नीचे उतर के ना घूमे बिन तुम जानते को होते में गोवर्धन में मिलते हैं। वैसे दाऊ जी में मिलते हैं, पर हमारे बाबूजी हमारे लिए पैसा दिखा रहे हैं। यहाँ की राजनीति अलग है तो हम नीचे जरूर जाएंगे। ओ अगर तेरी जलवा जलवा, अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य टुंडा पहलवान जी आशीर्वाद के रूप में दे रहे। और विचार करिए तुलसीदास जी घर के चारों ओर घूम रहे और कह रहे कि मेरी रत्नावली मुझसे प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर छेका होगा। अरे चारों ओर देख रहे ठाड़ो, दिखत नहीं कोई उपाय, ऐसो भयो इश्क में अंगो, ऐसो भयो इश्क में
अकल गई ये बोहरा मरबो जी बहुत कनाए देखे मरबो जी बहुत कनाए देखे ऐसी लइए लगन लगाए होटन खावे तुलसी मन में होटन खावे तुलसी मन में पिछवारी पे पोछो जाए भैया जी तुलसीदास जी मकान के चारे ओर घूम रहे रत्नावली मुझसे प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर छेका होगा। कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही इनकी तरह तो ना आ रही बड़ुआ गिरती सी गाने वाले सम्माननीय शिव सिंह सोरावली वाले शुद्ध जिगड़ी गाते और उसी क्षेत्र के सम्मान्य गायक हमारे बाद गाने के लिए आएंगे कुछ समय बाद भाई अमर सिंह चौधरी बेटा चौधरी है पर जी मुल्ला सो कहां थे आएगा रसिया रसिया तेरे रसियन ने आज यहां ठिया तू काई बड़ाई कर रो कैसा बता दियो तू ओंदा कर देंगे ये तो समाज बताएगी ओंदा कौन होगा कि जान ना के कोर रगड़ेगा। तुलसीदास जी मकान है चारों ओर घूम रहे और क्या कह रहे अरे पिछवा रे ये को बना लो आपके सामने गाना और गाना भी क्या है मैं समझ गया। वैसे समय आपने बताया नहीं खैर कोई बात नहीं ये पहला दौर है। गाना गाना क्या होता है गाना होता है मनोरंजन से भरपूर गाना। पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है मेरा जीवन बीत गया तुम्हारे द्वार पे आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया प्रभु मेरे कहवे थे एक छोटो सो काम कर दियो और क्या लिख रहे भैया क्या लिख क्या अरे भोला एक छोटी सी कथा कराए दे अरे भोला मेरे सैया मेरे छोटी सी कथा कराए दे पर जम रडुआ न नोट जिवाए दे रडवई बे प्रभु लायो है विधि विधान से भोले बाबा ने हवन यज्ञ करवायो है सिरदा के संग पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है। भोले बाबा कह रहे पार्वती भोजन कराने के बाद दक्षिणा हुआ करती है बोल दक्षिणा में क्या देना है। पार्वती मैया कह रही प्रभु दक्षिणा दक्षिणा तो मैंने बहुत दिन आते धर रखी है। गोरा कह रही भोला के ये ठान जो मैंने ठानी है दियो दक्षिणा में इनकी काज दियो दक्षिणा में इनकी काज एक एक बैयरी बैयरी अरे दियो दक्षिणा में इनकी काज एक एक बैयरी पानी है एक उठाए लई भोला ने भरसा उठाए लयो भोला ने मन में करी न गिलानी है तुए फार करिए रडुअन की अरे तुए फार करिए रडुअन की बचे नहीं जिंदगानी है धरे भागे कछु जाने बचाए के जी कैसी मेहमानी है जो रडुआ आगे आएगो भूख कटेगो फटेगो यानी मरगो और पीछे वाले भाजेगा
अब भोले बाबा ने क्या किया, जन्म दे दुआ फांकनाए वही ये कंगई बनाए दे भैया रे और ये कंगा बनाए दो मांस। अब बेचारे भैया ले लेके रड़ुआ अपने घर घूम जा रहे और भाई हमारे सन्नी भाई कुमेर वाले 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रही। बोले बाबा ने ये कंगई बनाए दे भैया ये कंगा बना दो मांस। काम में जा रहे प्रसाद बांट रहे और जो रड़ुआ भाजा है काजे रसिया बांट जैसे बजवे में टेम नहीं लगेगी। वो कहिया दुनिया तो आनी जानी है पर ये महफिली बताएगी किसमें कितना पानी है। ये कह रहे न्यू बताए भैया। बोले बाबा ने तू दुआ फाक करी गढ़ साथ ये फाड़ दियो तू जिंदो कैसे है गो। चल जिंदो है गो जैसे तो है गो न्यू बताया भैया रे कहाँ थे लाए हो। बोले बाबा कह रहे कि ये कंगो की तो बनाए दे भैया रे। बोले बाबा ने ये कंगो बनाए दो मांस। अब ये रड़ुआ भा जाएगा ये पहुंच गए। बोले बाबा जोर बाबा बिना में तो करी दुआ दुआ फाका हम में तो कर दे चार फाक तीन बना दे भैया रे एक बना दे मांस कन्ने मेरे वीरा। पर भोले बाबा ने कह दई कि नो चांस। भाई दिगंबर जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार नारोली वाले देते हैं आशीर्वाद के रूप में। बोले बाबा ने कह दिया नो चांस। जो ऑफर निकला था बाको समय पूरो हैगा पर वे रड़वा करे। अरे बाबा ने कह देख ले ऊपर नीचे हमारे उदिना कट जाएंगे। बोले बाबा करे हाँ एक छोटो सा ऑफर तो निकल रहो जंगल में जाओ जा जाकर उनकी हड्डी मिल जाए भाई हड्डियां लेके आ जाओ भैया ले जाओ। रड़ुआ जंगल में चले गए जाए भैंस की हड्डी मिल गई पूरे सिंगे दल्लायो ले बाबा मुंह भैया दे दे। बोले बाबा ने सो आशीर्वाद दियो भाई प्रकार ही मोटी ताजी भैया दे दई। जाए सुगरिया की हड्डी मिल गई सुगरिया की हड्डी की भैया कहां मिलेगी। चाहे मूड़ में जुआ पड़ रही पामने बेवाई फट रही है सुगरिया की हड्डी की भैया यूपी मिली चूने छाने आवेगी घर में ढोल आ भाई चान हो जाएगा दिन जी जी बता चूने छाने आई भूवरिया। मास्टर जी चाहे मूड़ में जुआ पड़ रहे चाहे पावने बेवाई फट रही पर धोवती नेटकी मांग रही है चाहे पूरे खंड का वो नेट धोवती पहरी। मास्टर जी बोले बाबा क्या करते हैं सब क्या बता। जैसी हड्डी पाई लायो ढूंढे बेचारो है जैसी हड्डी वैसी भैया रे देगे ओ डमरू बारो है। असली अंग की नारी तू जान रहे हो जग सारो है। लखन कहे जी पर के वारो सम्मान्य लखन हवालदार सुनसुमार फौजदार बड़का वाले लिख रहे पर भाई साहब हमसे छेड़छाड़ कर गए तो छोटी सी बात हम कहेंगे। अरे नारी के श्रृंगार है सोले सोले श्रृंगार नारी की इन्हें चलेंगे के लहंगा ले लई चुनरी ले लई बिंदिया ले लई लिपस्टिक ले लई। नारी के श्रृंगार है सोले जिनके नाम सभा में खोले। नारी के श्रृंगार है सोले जिनके नाम सभा में खोले। इनके नाम बताए यो नहीं अपनी ना